भाई हम जा रहे हैं ये वीडियो शूटिंग करने के लिए और आगे चल के आपको लोकेशन भी बताएंगे और देखते हैं क्या आया। पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं। हाँ भाई पहाड़ी इलाके में बालिका स्कूल जी। बारिश की वजह से पावर के पास ये पेड़ गिर गए हैं जो गाय हैं। अभी चलते आगे ये देखिए। तो गाइस चढ़ेंगे और फिर आगे भी जाएंगे चलते। ओके जी हम यहाँ पे आ गए और ये हमारी पैशन प्रो और दिखाते हैं आपको और ठंड लग गया इसको ड्राइवर को। गाइस हमारा ये न्यू ब्लॉग आपका स्वागत है द राइस ब्लॉग पर। आप सपोर्ट और सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना। ऐसे पहाड़ में से पानी आ रहा है वो दिखाएंगे आपको। ये देखिए पानी, ये पेड़ है या पहाड़ है वो देखो मैं खिसक रहा हूँ। तो गाइस ये देखो अंदर से पानी आ रहा है और ये बाहर जा रहा है। तो गाइस ये देखिए तीनों मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं। मैं कुछ अलग से पानी निकल रहा है ये देखिए ये पानी नदी में जाता है इससे ही नदी बनती है। सो गाइस यहाँ से हम जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़े काटे वाटे भी है पैर में घुस ना जाए। ये देखिए मैं तो गिर ना जाऊँ और पानी अंदर देखिए ये सो गाइस हम चलते आगे इधर पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। हम आगे मिलते हैं। ये तितली है यहाँ पे मौसम इस भारी बारिश वाला है अभी इसलिए मज़े लेने आए हैं। मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस ये गंगा माता जी का मंदिर है ये देखो पीछे से ये पानी आ रहा देखिए। एंजॉय द व्यू और बहुत अच्छा लग रहा है हमको इसलिए हम यहाँ पे आ गए। और हल्का हल्का वारा आ रहा है और हल्की हल्की बरसात है और हल्की सी वो हवा चल रही है और हम घूम रहे हैं यहाँ पे देखिए। वेरी वेरी नाइस और डेंजर। ये वहाँ पे भी मंदिर है वो देखिए। बारिश थोड़ी बहुत तेज होती हुई ये तीनों देखिए और आज बहुत ठंड भी ज़्यादा लग रही है। हम अपने घर की ओर लौटते हुए अभी और बारिश भी बहुत आ रही है। हेलो दोस्तों यहाँ एक पेड़ है यहाँ पर छुपने की जगह है बताता हूँ। देखो आपको ये देखो बारिश आ रही है ये देखो तीनों छुप गए। हेलो दोस्तों ये पेड़ है जिसे हमारी भाषा में खलुड़ा बोलते हैं
ये क्या है? के जैसे दिखाई देने वाला फल होता है जिससे खाने से हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारा वीडियो आज अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना, मतलब सपोर्ट करो। हम आगे भी जाएंगे और आपको बाहर का भी दिखाएंगे, उदयपुर जाएंगे कभी दिखाएंगे आपको, सपोर्ट जरूर करना।